आज जिस वाक्य के हवाले किया मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं दुनिया आप डटे रहे। अजीज साथियों, दिया गया अमन तरक्की, इस तरक्की के लिए शहीद बाजमान काकड़ ने और उनके उस आमर के खिलाफ उस आईन सरजमी ने बलूचिस्तान से उठी थी के खिलाफ आवाज उठाई। और हम बहुत महदूद हो जाते हैं जब हम इसको सिर्फ उपला के खिलाफ ये साजिश समझते हैं। ये हमारी सोच बहुत महदूद है कि जब हम समझते हैं किसी हज़ारा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या बलोच और पश्तून के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ एक कार्रवाई है। मेहरबानी करें आप इसको जबान, रंग, नस्ल, इलाके से मंसूब न करें। और मैं इस हद तक जाऊँगा, शायद मेरे ऊपर आप लोग कोई मर्जी बात करें, मैं कहता हूँ इसको आप फौज एजेंसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का मुकाबला भी न समझें। आपको हमें हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं किसी इदारे से, किसी तबके से, मगर ये भी देख लें नुकसान पूरी कौम का हो रहा है, चाहे सिविलियन हो, चाहे फौजी हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, सब की कुर्बानियाँ हैं। अगर हम ये कहें ये सारी कुर्बानियाँ सिविलियंस की हैं तो ऐसा भी नहीं है। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक हमारी सोच एक नहीं होगी, जब हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे तो जो दुश्मन है वो हम पर ऐसे वार करता रहेगा। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग है, ये इस्लाम के खिलाफ जंग है। अगर पाकिस्तान में वाकयात हो रहे हैं तो इराक में क्यों हो रहे हैं? अगर यहाँ एजेंसियाँ करा रही हैं या फौज करा रही है या कोई और इदारा करा रहा है, इराक में कौन करा रहा है? मुझे बताया जाए लीबिया वालों को क्या कसूर था, मुझे बताया जाए अफगानिस्तान वालों को क्या कसूर है, मुझे बताया जाए अलजार वालों को क्या कसूर है, मुझे बताया जाए मिस्र वालों को क्या कसूर है, जबकि सियासी एक हुकूमत को अपने जुल्म सितम के जरिए से हटाकर उसको अदालत के अंदर शहीद कर दिया गया, वो कौन था? हम जब तक असल दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, हम अंदर जब लड़ते रहेंगे, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी इंतहाई बड़ी कमजोरी है। हम दुश्मन को, असल दुश्मन को नहीं पहचानते हैं, अंदर आपस में लड़ते हैं। अगर तो ये होता कि एक घर मर रहा हो, दूसरा घर से आराम से सो रहा हो, फिर तो हम कह सकते हैं वो जो सो रहा है उसी ने हमको मरवाया है, जो सो रहा है वो सबसे ज्यादा कुर्बानी देगा, सबसे ज्यादा मर रहा है, चाहे कोई भी है, हमारा पाकिस्तानी शहरी है, हमारा भाई है, हमारा मुसलमान है, चाहे वो सरहद पर शहीद हो रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे घर के अंदर, आज भी मैंने देखा पश्चिम के अंदर जो है एक ऐसे जो को मार दिया गया है। आज भी हम देखते हैं मिशन रोड पर एक वाकया हुआ, कौन सा वाक्य डिस्क्रिमिनेट है? हर चीज इंडिस्क्रिमिनेट है, हर चीज बिला इम्तियाज हो रहा है, हर एक के खिलाफ हो रहा है। तो खुदा के लिए इसको एक जात, एक कौम, कबीला, इलाका, मजहब, सियासत से दूर रखें। इसको ये दुश्मन समझिए हम पर एक आर्मी साम्राज्य कुवत से हम पर हमला हो रहा है, वो आपकी वसाहत के ऊपर हमला हो रहा है। वो जब हम सुनते थे सब जंग की बात करते थे, कहते गर्म पानियों तक पहुंचना चाहते, आज वही जंग अभी तक जारी है। ये हमें धोखा दिया जाता है, रूस हमारे साथ है, धोखा दिया जाता है, अमरीका हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम सब अकेले हैं। हमने अपनी जंग खुद लड़ी है, अपने मुफादात के साथ सियासत कर ली है, उस सियासत के अंदर हमने अपना मकाम बनाना है, अपने आप को महातिर मोहम्मद बनाना है, अपने आप को जमाल अब्दुल नासिर बनाना है, अपने आप को उन कुव्वतों के साथ मिलाना है जहाँ पर हम एक कौम बन सके। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे हम इस मुल्क में ना दहशतगर्दी को रोक सकते, ना हम खुशहाली ला सकते, ना हम तरक्की कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है काजी फाइज साहब के इस जो रिपोर्ट आई थी बालादस्ती के लिए है, ये इस रिपोर्ट की सजा दी गई उन्होंने फैजाबाद जिन लोगों के काजी रेफरेंस में आज मैं मौजूद हूँ, जिन लोगों की काजी रेफरेंस में आज मैं मौजूद हूँ, खुदा नवाज बहुत अच्छा बोलते थे और उनकी जिंदगी बोलने में गुजर गई थी, उनकी जिंदगी का मजमा नजर सकते था कि जहां पर कोई जुल्म था, जहां पर कोई बेइंसाफी थी, ये जो लोगों की तस्वीरें आपके सामने हैं इनमें बहुत काबिल कदर ऐसे लोग थे कि हमेशा उस जुल्म और बेइंसाफी में खिलाफ
इसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिससे यकीन कोयटा के शहरी एक बुतला के एक वकील के, मैं हर वकील के साथ जितनी ये तस्वीरें लगी है, हर रोज नहीं तो हर दूसरे किससे हर वकील से ना सिर्फ मैं मिलता था, हाथ मिलाता था एक दूसरे को, मैं इनको नाम से जानता हूँ, मैं इनको चेहरे से जानता हूँ, मैं इनकी सोच से जानता हूँ। लड़ने का जज्बा वो हमारे अंदर मौजूद है।
ये जितने शहीद हैं इन सब के हम नुमाइंदे हैं, हम सब इनके जयकारों का है, हम सब इनके प्यारों का है। हम इन बच्चों को यकीन है कम से कम और इस बात को तो रोकते हैं, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं जुलूम जितना कर सके तो जुलूम में आप नहीं हो सकते, मगर ये कोई कोटा शहर जिस जनूनियत जिस हैवानियत से हमें यहाँ पे मारा गया, हमें यहाँ पे क्वेटा शहर और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट और क्वेटा शहर की हर गलियों में हमारे खून के आंसू है, हमारे खून की बुआ है। हमें 1 किलोमीटर के फासले पर यानी 100 से ज्यादा वाकयात आपको मिले। हमारी माएँ एक माँ की तीन बेटे भाई 20 साल 22 साल 24 साल के बेटे एक ही आदिशे में माँ अपनी जो साइकोलॉजिकली अपनी होश और आवाज खो जाती है। माँ हर मोहल्ले उस मोहल्ले के दरवाजे पर उस मोहल्ले के मकान पर दरवाजे को कटकटाती है और चिल्ला के रोती है। ये 1-2 महीने का ये इवेंट होता रहा कि बहन जी कहीं अपने छत के ऊपर देख ले मेरे फला बेटे का जिस्म का टुकड़ा नहीं मिला। आप भी माए हैं, हम भी इस सोसाइटी में रहने वाले हैं। एक माँ का एक लौता बेटा, जवान बेटा जब उसी 10 जनवरी के सालेह में शहीद होता है
تو آپ باور کر لیں کہ اگلے دن صبح وقت ہی نماز کے وقت نماز کے بعد جب وہ قبرستان میں جاتی ہے اسی وقت روتی روتی سر جو ہے مطلب رکھ دیتی ہے قبر پہ اور اٹھتی نہیں ہے. ایک بیٹا تھا اس کا اور ماں بھی اگلے دن ہارٹ فیل ہو جاتی ہے ان کے قبر پر اور نہیں رہتی ہے. ہمارے ہاں تو ہر فیملی سے ہر محلے سے ہم نے لاشیں اٹھائے, ایک سوئم کے بعد دوسرا سوئم, ایک سوئم کے بعد تیسرا سوئم, ایک سوئم سے ہم فارغ نہیں ہوئے, پھر لاشیں. 12 یعنی جون کا مہینہ تھا میرے خیال میں 2012 کو, 12 دنوں میں 36 لاشیں مینٹریڈ ایریا کوئٹہ کے مینٹریڈ ایریا سے ہمیں بھجوایا گیا. کھنڈاری بازار, لیاقت بازار, پرنس روڈ, میں دکانوں کے اندر شو میکرس کو ان کے دکانوں میں گھس کر ان کی چاکیوں میں جس بے دردی سے فائر کیا گیا. 12 دنوں میں 36 لاشیں آئی. مجھے معلوم ہے کہ کوئٹہ شہر کے جتنے بھی رہنے والے تھے ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھے, لیکن ہم نے اس کو اس سیریسنیس سے اس سیریس لے کر اس حوالے سے ہمیں کبھی ہم نے کبھی اس کو ڈیل نہیں کیا.